रामायण के अनुसार भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण अंततः 14 साल का वनवास बिताने और राक्षस राजा रावण को हराने के बाद अयोध्या लौट आए। दिवाली उनके घर लौटने का प्रतीक है। सिख धर्म में दिवाली मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा गुरु हरगोबिंद की रिहाई की घटना से संबंधित है। महाकाव्य महाभारत में 5 पांडव भाइयों को एक शर्त हारने के लिए धोखा दिया गया था, जिसके बाद कौरवों ने उन्हें 12 साल के लिए निर्वासित किया। महाकाव्य के अनुसार दिवाली वह दिन है जिस दिन पांडव कार्तिक अमावस्या की रात हस्तिनापुर लौटते हैं। सबसे लोकप्रिय परंपरा के अनुसार दिवाली को उस दिन के रूप में मनाया जाता है जब देवी लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था। देवताओं और राक्षसों द्वारा दूध के ब्रह्मांडीय महासागर का मंथन। दिवाली की रात लक्ष्मी ने विष्णु को अपने पति के रूप में चुना और दोनों पवित्र विवाह में बंध गए। जैन धर्म में महावीर की आत्मा के अंत में निर्वाण प्राप्त करने की वर्षगांठ मनाने के लिए दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों, कैसे लगी ये वीडियो? इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट डाउन इन कमेंट बॉक्स।